हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सांख्यिकी का दूसरा पार्ट देखेंगे जो आपके एग्जाम टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां पर जाकर के बहुत सारे प्रैक्टिस सेटअप मिल जाएंगे आपको जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रमाप विचलन क्या होता है? तो प्रमाप विचलन जो होता है, माप की समान इकाई में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माप की समान इकाई में इसको व्यक्त किया जाता है। प्रमाप विचलन माप की जो समान इकाई होती है उसके रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। यह विचलन जो है पदमाला के सभी मूल्यों पर आधारित होती है। ठीक है, यह विचलन जो होता है, प्रमाप विचलन जो होता है, ये पदमाला के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य वितरण में क्या होता है? क्या माध्य एवं माध्यिका बराबर होते हैं? नहीं। माध्यिका एवं भूयिष्ठक बराबर होते हैं? ये भी नहीं। सभी तीनों बराबर होते हैं? तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी तीनों यानी माध्य, माध्यिका और भूयिष्ठक, ये तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी भी आवृत्ति वितरण संबंध में कोई आवृत्ति वक्र शीर्ष बिंदु के दोनों ओर पूर्णतया सममित होते हैं, तो ऐसे आवृत्ति वक्र को क्या कहते हैं? पूर्णतया सममित वक्र कहा जाता है। ठीक है, ऐसे आवृत्ति वितरणों के मध्य जो है माध्य और माध्यिका और बहुलक तीनों जो है बराबर होते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे डिफाइन होता है? इसका ग्राफ डिफाइन होता है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे जो है तीनों बराबर रूप से दर्शाए जाते हैं। इसका फार्मूला होता है x इक्वल टू एम ई बराबर एम ओ। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा ओ। ठीक है, इस तरह से उसका ग्राफ भी दर्शाया जाता है। तो ये एक सामान्य वितरण में जो है सभी तीनों बराबर होते हैं, माध्य, माध्यिका या भूयिष्ठक, इसको बहुलक भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि है, अन्वेषण की विधि कौन सी होती है? तो जनगणना विधि, नमूना या प्रतिदर्श विधि, तो ये दोनों सही हो जाएगा। अन्वेषण विधि जो है ये दोनों विधि होती है, या तो जनगणना विधि कह सकते हैं या तो प्रतिदर्श विधि भी कह सकते हैं। जब किसी शोध कार्य का उद्देश्य किन्हीं सामाजिक घटना के में अंतर्निहित कारणों को ढूंढ निकालना होता है, तो उससे संबंध रूपरेखा को जो है अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की शोध प्ररचना में शोध कार्य की रूपरेखा इस ढंग से प्रस्तुत की जाती है कि घटना की प्रकृति व धारा प्रवाहों की वास्तविकताओं की खोज की जा सके। तो यहाँ पे जनगणना विधि में भी जो है सामाजिक घटना के बारे में हम जानकारी जुटाते हैं, और नमूना प्रतिदर्श विधि में भी वही क्रिया होती है। तो यहाँ पे दोनों हम सही कर सकते हैं अन्वेषण विधि में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी अनुमानों और संभाव्यताओं का विज्ञान है, यह कथन किसका है? अनुमानों और संभाव्यताओं का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये है वांडिंगटन का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन परिभाषाएं देखा जाए तो संकुचित एवं अपूर्ण है, जो केवल गणना, अनुमान एवं संभावनाओं पर ही जोर देती हैं। ठीक है, तो ये जो प्राचीन परिभाषा है ये वांडिंगटन का है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित श्रेणी के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त मापक कौन सा होगा? यहाँ पे लिखा है दो से कम और चार, छः, आठ, नौ, बारह से अधिक। ठीक है, जब किसी प्रश्न में से कम, ठीक है, और से अधिक आवे तो वहाँ पे क्या हो जाता है? वहाँ पे माध्यिका हो जाता है। ठीक है, मीडियम हो जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संचयी आवृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो से कम होती है और एक से अधिक होती है। जब दोनों एक ही मोड में आ जाए तो वहाँ पे क्या प्रदर्शित होता है? तो वहाँ पे माध्यिका प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पे उसका जो प्रच्छेद बिंदु होगा वो माध्यिका का मान प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपकिरण गुणांक का मान व्यक्त किया जाता है, तो किससे व्यक्त किया जाता है, किस फार्मूले से?
तो ये हो जाएगा आपका मानक विचलन बटी माध्य गुणे 100, यानी स्टैंडर्ड डिवीजन बाय मीन। ठीक है, तो ये जो है ये फार्मूला आपका, इस फार्मूला के द्वारा अपकिरण गुणांक का मान निकाला जा सकता है। ठीक है, यदि समांक श्रेणियों के माध्य भिन्न भिन्न हैं तो ऐसी स्थिति में श्रेणियों की विचरणशीलता की तुलना के लिए गुणक का प्रयोग करते हैं। इस गुणांक को हम जो है विचरण गुणांक या अपकिरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो अपकिरण या विचरण गुणांक का जो मान होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100 होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वितरण के वक्र का आकार मध्यम शीर्ष वाला होगा, जबकि कब मध्यम शीर्ष वाला होगा, जब गामा स्क्वायर इक्वल टू 0 और बीटा स्क्वायर इक्वल टू 3 होगा, तब जो है मध्यम शीर्ष वाला होगा। ठीक है, एक प्रायिकता वक्र के लिए जो है बीटा स्क्वायर बराबर 3 और गामा स्क्वायर बराबर 0 होते हैं, एक सामान्य वक्र कहलाता है। वह न तो समतल तथा न ही जो है नुकेलेपन वाला होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं मध्यम शीर्ष, मध्यम शीर्ष तब यही बनेगा। ठीक है, मध्यम शीर्ष जो बनेगा यही बनेगा। ठीक है, तो जब मध्यम शीर्ष बनता है तब उसका बीटा स्क्वायर का मान 3 होता है और गामा स्क्वायर का मान जो है 0 होता है, तो उस स्थिति में जो है मध्यम शीर्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी श्रेणी के सभी मानों को 4 से गुणा कर दिया जाए तो सहसंबंध गुणांक का मान हो जाएगा, तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या हो जाएगा, तो वो यदि सभी चरों को किसी स्थिरांक या कांस्टेंट से गुणांक कर दिया जाए तो सहसंबंध गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस परिवर्तन तभी संभव है जब स्थिरांक का मान ऋणात्मक हो। ठीक है, तो स्थिरांक का मान यहाँ पर ऋणात्मक नहीं दिया है। ठीक है, तो स्थिरांक का मान जब ऋणात्मक नहीं दिया है तो इसमें कोई न 2/2 गुना होगा, न 4/4 गुना होगा, न मतलब 1 गुना होगा। ठीक है, सबका मान एक ही गुना हो रहा है, 2/2 बराबर 1, 4/4 बराबर 1। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो मान दिया है वो पॉजिटिव में दिया है, जब तक ऋणात्मक स्थिरांक नहीं होगा तब तक इसके मान में कोई, इसके सहसंबंध गुणांक का मान में कोई परिवर्तन नहीं देखा जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रतीप गमन गुणांक का मान 1 से अधिक हो तो दूसरे प्रतीप गमन गुणांक का मान क्या होगा, तो वो 1 से कम होगा। ठीक है, लेस देन 1, यानी 1 से कम होगा। यदि किसी प्रतिगमन गुणांक 1 से अधिक है तब दूसरा प्रतिगमन गुणांक 1 से कम होगा। जब 1 से अधिक होगा तो उसका प्रतिगमन गुणांक जो होगा वो 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी एक वर्ष से विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन मात्रा को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त आरेख होगा, तो कौन सा आरेख उसके लिए उपयुक्त होगा, तो वृत्तचित्र सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, वृत्तचित्र जो होता है वास्तव में यह दर्शाता है कि एक समग्र राशि, मान लीजिए एक समग्र राशि है, ये पूरा जो है समग्र राशि कितने परसेंट की है, तो 100% है। ठीक है, विभिन्न संगठक राशियों में किस प्रकार वर्गीकृत किया जा रहा है, मान लीजिए इतना ये धान का फसल हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये गेहूं का फसल हो गया, यहाँ से यहाँ बाजरा हो गया, मतलब हम इसको अलग अलग भागों में दर्शा सकते हैं। विभिन्न संगठक राशियों को किस प्रकार वर्गीकृत करना है इसमें, अर्थात समग्र राशि जो है ये 100% का कितना परसेंट भाग ले रहा है, ये जो है दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी, तो वो वृत्त चित्र के माध्यम से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रणालीगत रूप से एकत्रित अंकीय तथ्य किस दृष्टिकोण से सांख्यिकी की परिभाषा है, तो ये बहुवचन दृष्टिकोण से है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
प्रणालीगत रूप से एकत्रित अंकीय तथ्य जो होता है वो बहुवचन दृष्टिकोण से सांख्यिकी की परिभाषा को निर्गत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।